बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी अब तक कई कहानियों का आपने सुना होगा। ये समुद्री दुनिया में मौजूद एक ऐसा अनोखा और अजीबोगरीब जगह है जहां से अब तक 2000 से अधिक पानी के जहाज और 200 से ज्यादा हवाई जहाज गायब हो चुके हैं। लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी को लेकर आए हैं जब एक पायलट ने अपने हवाई जहाज को बरमूडा ट्रायंगल के खतरनाक और अजीबोगरीब हालात से निकाल कर ले आया। और जब उस पायलट ने बरमूडा ट्रायंगल के बीच हुए हादसे के बारे में दुनिया को बताया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। काफी साल तक उस पायलट के साथ हुए हादसे को दुनिया से छुपा कर रखा गया, लेकिन हाल ही में उस पायलट ने लगभग 25 साल बाद अपने साथ हुए हादसे को पूरी दुनिया के सामने रखा, जिसे जानना आपके लिए बहुत ही रोमांचक होने वाला है कि कैसे एक हवाई जहाज 90 मिनट के रास्ते को बरमूडा ट्रायंगल के बीच हुए अजीबोगरीब हादसे की वजह से महज 30 मिनट में क्रॉस कर दिया, और कैसे समुद्र के ऊपर जैसे ही वो हवाई जहाज एक बादल के बीचों बीच से निकला तो वो किसी और ही दुनिया में चला गया। आज का ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही रोमांचक होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये कहानी है 4 दिसंबर साल 1970 की, जब एक बोनांजा बीच क्राफ्ट नाम का छोटा सा जहाज 2 पैसेंजर को बैठाकर एक छोटे से एयरपोर्ट से मियामी के लिए उड़ान भर रहा था। ये रास्ता लगभग 500 किलोमीटर लंबा था, जिसे तय करने में कम से कम 90 मिनट का समय निश्चित था। बोनांजा एयरक्राफ्ट नाम के उस छोटे से जहाज की अधिकतम रफ्तार 290 किलोमीटर प्रति घंटे थी। उस दिन का मौसम बड़ा ही सुहावना था, आसमान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। पायलट अपने साथ एक बिजनेसमैन और उसके बेटे को बिठाकर मियामी के लिए निकल पड़ा। वो पायलट बहुत ही अनुभवी था, उसे लगभग 600 घंटे से अधिक हवाई जहाज उड़ाने का अनुभव था। लेकिन उस दिन उस अनुभवी पायलट के साथ एक ऐसी घटना हुई जो आज तक नहीं भूल पाया। जैसे ही वो पायलट अपने एक बिजनेसमैन पैसेंजर को लेकर आगे बढ़ता है, उसके साथ अजीबोगरीब घटनाओं की शुरुआत होने लगती है। आसमान बिल्कुल साफ था और हवाई जहाज अपना पूरा रफ्तार पकड़ चुका था। अभी हवाई जहाज को टेक ऑफ हुए महज कुछ ही मिनट हुए थे कि पायलट को आसमान के बीचों बीच एक काले रंग का घना बादल दिखाई दिया। पायलट को समझ में नहीं आता है कि अभी तो आसमान इतना साफ था, फिर अचानक से ये इतना गाढ़े रंग का बादल कैसे आ गया। जब तक पायलट को कुछ समझ में आता, वो बादल के बहुत करीब आ चुका था और अब उसके लिए रास्ता बदल पाना लगभग असंभव था। दूर से वो गाढ़े रंग का बादल बहुत छोटा दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो पायलट उसके करीब आता है, उस बादल का आकार बढ़ता चला जाता है। पायलट के पास अब सोचने का वक्त नहीं था और वो पायलट उस काले बादल के अंदर अपने हवाई जहाज को प्रवेश करवा देता है। जैसे वो पायलट उस गाढ़े बादल के अंदर घुसता है, पायलट के सामने पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। हवाई जहाज के अंदर का हालत बिल्कुल ऐसा हो जाता है मानो अमावस्या से भी गहरी रात हो गई हो। लेकिन लगभग 30 सेकंड बाद ही पायलट उसके अंदर मौजूद पैसेंजर और हवाई जहाज बिल्कुल सही सलामत उस घने बादल से बाहर आ जाता है, जिसके बाद पायलट चैन की सांस लेता है। वो सोचता है उसने बरमूडा ट्रायंगल के बीच एक बड़े हादसे को होते होते बचा लिया, लेकिन यह तो महज एक शुरुआत थी, क्योंकि कुछ ही मिनट बाद उस पायलट का सामना एक और खतरनाक बादल से होता है। एक ऐसा बादल जिसने उस पायलट की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। कुछ ही मिनट बाद उस पायलट को आसमान में एक और गहरे काले रंग का बादल दिखाई देता है, जो कि बिल्कुल उस हवाई जहाज के रास्ते में था। हवाई जहाज इस वक्त तक लगभग 11,500 किलोमीटर की ऊंचाई पर था और अब पूरी रफ्तार के साथ मियामी की तरफ बढ़ रहा था। हवाई जहाज ने अभी तक महज 10 या 12 मिनट का सफर तय किया था और इस बार उस गहरे काले बादल का आकार बहुत ही बड़ा था। इतना बड़ा आकार कि पायलट चाहकर भी अपने हवाई जहाज को उससे बचाकर आगे नहीं निकाल सकता था। पायलट के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि उस बादल से होकर आगे की तरफ बढ़े, क्योंकि पायलट ने अभी अभी एक खतरनाक बादल को क्रॉस किया था। पायलट का कॉन्फिडेंस बिल्कुल ऊपर था, उसे लगा कि वो इस बादल को पार कर लेगा। पायलट ने यही सोचते हुए अपने उस छोटे से एयरक्राफ्ट को उस बादल के अंदर घुसा दिया। अंदर घुसते ही उस पायलट के लिए कुछ भी देखना असंभव था, क्योंकि हवाई जहाज को अपने आगे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। लगभग 5 मिनट से भी अधिक का वक्त गुजरने के बाद उस गहरे बादल के अंदर ताबड़तोड़ बिजलियां कड़कने लगी। हवाई जहाज के सामने हर एक मिनट सैकड़ों की संख्या में बिजली कड़क रही थी। पायलट और उसके अंदर मौजूद 2 पैसेंजर बुरी तरह से डर चुके थे और अब पायलट को यकीन हो गया कि वो बरमूडा ट्रायंगल के जाल में फंस चुका है। पायलट बताता है कि जब उसने उड़ान की शुरुआत की थी
तो मौसम बिल्कुल साफ था और बहुत ही तेज धूप हो रही थी, लेकिन उस बादल के अंदर के हालात इतना खतरनाक थे कि उसके अंदर सूर्य की एक छोटी सी रोशनी भी नहीं पहुंच पा रही थी। अंदर पूरी तरह अंधेरा था, जैसे वो किसी बादल में नहीं बल्कि किसी सुरंग के अंदर घुस गया हो। पायलट अनुमान लगाते हैं कि बादल के उस सुरंग की चौड़ाई लगभग 1.5 किलोमीटर थी, पर लंबाई कितनी थी वो तो उसे पता ही नहीं था। बिजली की गर्जना की वजह से और बादलों के तेज मूवमेंट की वजह से हवाई जहाज बुरी तरह से हिलने लगा था। पायलट बताते हैं कि वो धीरे धीरे हवाई जहाज के ऊपर से अपना कंट्रोल खोने लगा था, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि हवाई जहाज को अपने कंट्रोल में रखे। पायलट को इस बात का अंदेशा होने लगा कि वो उसी भूल भुलैया में खो चुका है जहां अब तक 2000 से ज्यादा पानी के जहाज और 200 से अधिक हवाई जहाज लापता हो चुके हैं। देखते ही देखते उस गहरे काले बादल के अंदर उस हवाई जहाज को घुसे हुए 25 मिनट से ज्यादा का वक्त निकल गया, लेकिन वो बादल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और उससे भी अधिक हैरानी की बात तो ये है कि वो पायलट चाहकर भी अपने हवाई जहाज की दिशा को बदल नहीं पा रहा था। वो हवाई जहाज पूरी रफ्तार के साथ सीधे दिशा में निकलता जा रहा था और तभी उस हवाई जहाज को एक तेज रोशनी दिखाई दी, बिल्कुल वैसा ही जैसे सुरंग से निकलने का कोई रास्ता हो। पायलट बिल्कुल खुश हो जाता है और वो जितनी जल्दी हो सके उस बादल के सुरंग से बाहर निकलने का इंतजार करने लगता है। लेकिन तभी हवाई जहाज के अंदर मौजूद सारे इक्विपमेंट अजीबोगरीब व्यवहार करने लगते हैं। हवाई जहाज के अंदर मौजूद हर एक कांटा बुरी तरह से हिलने लगता है और तौर कंपास में मौजूद कांटा जोर जोर से घूमने लगता है। पायलट बताते हैं वो माहौल ऐसा था जैसे उस हवाई जहाज को वो पायलट नहीं बल्कि और कोई कंट्रोल कर रहा है। जैसा वो चाह रहा था वैसे ही हवाई जहाज के साथ हो रहा था। लगभग 30 मिनट की यात्रा पूरी करने के बाद वो पायलट और 2 पैसेंजर अपने हवाई जहाज के साथ उस गहरे बादल से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ से कहानी एक नई मोड़ ले लेती है। पायलट जैसे ही ग्राउंड पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करना चाहता है तो उसे पता चलता है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रूम में जो रडार सिस्टम रखा हुआ है उस रडार सिस्टम पर उसका हवाई जहाज दिखाई नहीं दे रहा। और उससे भी हैरानी की बात तो ये है कि हवाई जहाज को उड़ान भरे हुए सिर्फ 45 मिनट का वक्त ही बीता है और वो हवाई जहाज मियामी तक पहुंच चुका था, जबकि जिस जगह से बीच क्राफ्ट बोनांजा नाम का वो हवाई जहाज उड़ान भरा था वहां से मियामी तक जाने के लिए कम से कम 90 मिनट का समय लगना निश्चित था। हवाई जहाज सिर्फ 45 मिनट के अंदर ही मियामी एयरपोर्ट पर बिल्कुल सुरक्षित लैंड करता है, जिसके बाद मियामी एयरपोर्ट पर मौजूद कर्मचारी और उस हवाई जहाज का पायलट सबसे पहले हवाई जहाज का ईंधन चेक करता है कि आखिरकार ईंधन कितना खत्म हुआ। पायलट की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि ईंधन आधे से भी कम खर्च हुआ और समय मात्र आधा लगा था। अब मियामी एयरपोर्ट पर मौजूद हर एक कर्मचारी इस बात को लेकर ताज्जुब में पड़ गए कि आखिरकार ये घटना हुई कैसे, क्योंकि अगर कोई चाह भी ले तो उस हवाई जहाज को 290 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज उड़ा ही नहीं सकता, तो फिर महज 47 मिनट के अंदर 500 किलोमीटर की दूरी को कैसे तय किया गया। इस बात को पूरी दुनिया से छुपाए रखा गया और एयरपोर्ट से जुड़े जिम्मेदार लोग इस बात की तहकीकात करने में जुट गए कि आखिरकार बरमूडा ट्रायंगल के बीच हुए इस हादसे का जिम्मेदार कौन था। पायलट जिस तरीके से उस घटना का जिक्र करता है उसे सुनते हुए दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि ये 100% सत्य है कि बरमूडा ट्रायंगल के बीच कोई अनहोनी नहीं होती है बल्कि वहां से समय की यात्रा पर निकलने का कोई रास्ता है। और दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात का अनुमान लगाते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल के बीच जो घटनाएं होती हैं उसके लिए कोई और नहीं बल्कि दूसरी दुनिया के कुछ विकसित लोग जिम्मेदार हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बरमूडा ट्रायंगल का इतिहास बहुत ही पुराना है और इसके बारे में सूचना देने वाला सबसे पहला शख्स क्रिस्टोफर कोलंबस को माना जाता है। कोलंबस ही वो पहला शख्स था जिसका सामना बरमूडा ट्रायंगल से हुआ था। कोलंबस अपने एक किताब में बताते हैं जैसे वो बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंचे उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस को आसमान में एक रहस्यमय आग का गोला दिखाई दिया जो सीधा जाकर समुद्र में गिर गया। अटलांटिक महासागर के इस भाग में जहाजों और वायुयानों के गायब होने की जो घटनाएं अब तक हुई हैं, उनमें पाया गया है कि जब भी कोई जहाज या वायुयान यहां पहुंचता है तो उसके रडार, रेडियो वायरलेस और कंपास जैसे यंत्र या तो ठीक से काम नहीं करते या फिर धीरे धीरे काम करना ही बंद कर देते हैं, जिससे इन जहाजों और वायुयानों का संपर्क बाकी दुनिया से टूट जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी आपके मन में और भी कोई क्वेरी है
तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हम कोशिश करेंगे अपने अगले वीडियो में आपके हर सवालों के जवाब को डिटेल में लेकर आने की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसी ही जानकारियों से भरी वीडियोस लाते रहती है।